नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर बिहार मधेपुरा से। प्रदेश युवा राजद बिहार के राज्य व्यापी आह्वान पर सोमवार यानी 15 मार्च को जिला मुख्यालय मधेपुरा कला भवन परिसर में एक दिवसीय धरना संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष अनिता कुमारी ने कहा कि बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई, चौपट कानून एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, बदहाल शिक्षा, व्याप्त भ्रष्टाचार, संविदा कर्मी एवं शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति जैसे जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लेकर जिला युवा राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा ने आज एक दिवसीय धरना दिया है। जयकांत यादव जिला अध्यक्ष राजद एवं विजेंद्र प्रसाद यादव प्रदेश महासचिव राजद ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए, आइए सुनते हैं। एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए क्या मामला है? मामला हमारा प्रदेश युवा राजद के द्वारा आह्वान किया गया है 23 तारीख को विधानसभा घेराव है। हमारे प्रदेश में जो सरकार बनी है या फर्जी सरकार बनी है, इन्होंने चुनाव के समय में बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन चुनाव के बाद इनकी रवैया वही रहती है। क्योंकि अब 15 साल से यह सरकार में है लेकिन जो भी हमारे सभी लोगों के, सभी विभागों के, सभी संस्थानों के जो भी लंबित मांगे हैं उस मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। वो उल्टे हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है। आप देखते होंगे फरवरी माह में पेट्रोल डीजल की कीमत 16 बार बढ़ी है, रसोई गैस की कीमत बढ़ गई है। आज आपको सुनने का मौका मिला होगा जो आज हमारे प्याज की दाम बढ़ गई है, हमारे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसकी दाम बढ़ रही है। लेकिन यह सरकार सोई हुई है, इसको कोई ख्याल नहीं आता है कि जनता परेशान है कि क्या है। आज जो बेरोजगारी की समस्या है, हमारी सरकार जो बनती, हमारा तेजस्वी ने जो मैनिफेस्टो में दिया था 10 लाख हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे प्रथम कैबिनेट बैठक में, अन्य जो भी हमारे कॉलेज कर्मी हैं, जो शिक्षक कर्मी हैं, सबों को, चाहे निवेदा पर हो, सबको मैं सरकारी। आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए क्या बात है? सरकार के वादे के अनुसार 19 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने एवं व्यवस्था परिवर्तन होने आंदोलन चरणबद्ध रूप से चलता रहेगा। यह धरना सरकार के जन चोरी नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का माध्यम है। क्या नाम आपका? अनिता कुमारी, जिला बीच में। आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार युवा राजद के राज्यव्यापी आह्वान के मद्देनजर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है। मुद्दा है भीषण महंगाई, कमरतोड़ बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो व्याप्त है हर जगह। बिना घूस का कोई काम नहीं होता, चाहे वो अंचल हो, ब्लॉक हो, अनुमंडल हो या जिला कार्यालय हो। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए डबल इंजन सरकार के खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ जिला परिसर, आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में युवा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से धरना कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसके पहले प्रखंड, पूरे प्रदेश के प्रखंड कार्यालय में युवा राजद का धरना कार्यक्रम हुआ था। आज राज्य के निर्देश, राज्य पार्टी के निर्देश पर पूरे बिहार के जिले में धरना कार्यक्रम आयोजित है और इसका प्रमुख कारण है पूरे प्रदेश कोलाहल मचा हुआ। इसी के साथ ही मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार यादव, अजय कुमार सिंहेश्वर प्रखंड अध्यक्ष, सुरेश कुमार यादव मधेपुरा प्रखंड अध्यक्ष, विकास कुमार मंडल गैलहाड़ प्रखंड अध्यक्ष, प्रकाश कुमार पिंटू जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ, अमेश कुमार यादव प्रदेश महासचिव, मोहम्मद मुन्ना दर्जी प्रदेश महासचिव, संजय कुमार भारती, पप्पू कुमार यादव, जयप्रकाश राय, नारायण कुमार बबलू, मोहम्मद आलम प्रदेश सचिव, चंद्रकिशोर राम, मनीष कुमार, निशांत यादव जिला अध्यक्ष, NSUI राकेश यादव, जयकांत समिति नीतीश कुमार, नेपोलियन यादव ऋषिकेश, विवेक नगर प्रधान महासचिव, बिमल विद्रोही विश्वनाथ जी, विनोद पाटिल, हरीश चंद्र राम, विनीत बीरेंद्र, आजाद लोजत, अरुण छात्र नेता, किशोर अभिलाष, यदुवंशी, राकेश रोशन, मोहम्मद असंजय अली, स्वाति देवी वार्ड सदस्य, अर्जुन यादव, दीपक कुमार दिनकर आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मधेपुरा ब्यूरो, सविता नंदन कुमार की खास रिपोर्ट।